मोदी की तरफ से दुख जताया गया है। पोस्ट उन्होंने किया है, ये लिखा है कि जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर वो दुखद, ये खबर दुखद है और हृदय विदारक की पूरी घटना है। ऐसे में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अश्वनी अवस्थी उन्नाव से ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या फिलहाल इस वक्त अपडेट मिल रहा है, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या उनको लेकर जानकारी मिल रही है और कैसे हादसा हुआ? ये देखिए, आपको बता दें कि ये हादसा देर रात हुआ, जब तक एक बिहार से दिल्ली जा रही बस डबल डेकर कंटेनर में घुस जाती है, उसके दौरान ये हादसा होता है। उसमें लगभग सवारियां जो सवार होती हैं उसमें 18 लोग की मौत हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है, पूरी तरीके से मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है और वहां पे जो सब हैं उनके परिजनों को सूचना की जा रही है लगातार, और वहीं जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल उन्नाव लाया गया है। मैं इस वक्त उन्नाव के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ मैं प्रीति आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार प्रशासन और एम्बुलेंस और बांगरमऊ की जो एक्सप्रेस वे है वहां से लगातार यहाँ पहुंच रही है, और पहुंचने के बाद सभी का जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। प्रीति जी, अश्विनी एक बात बताइए, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, कैसे इनकी सिचुएशन है, क्या उसमें कुछ लोग क्रिटिकल भी है? ठीक है, आपको साफ तौर बता दें, जिस प्रकार से लगभग 2 दर्जन से लोग यहाँ पे ज्यादा घायल हैं, इनको लाया गया है उपचार के लिए, और इसमें से कुछ लोग जिनकी हालत सीरियस है उनका भी लगातार उपचार चल रहा है। वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, दुख जताया, और साथ में ये भी कहा है कि जिस प्रकार से जो घायल है उनका सुनिश्चित इलाज किया जाए, जिला अस्पताल हो या फिर वहां से जरूरत पड़े तो पास के कानपुर या लखनऊ भी उनको ट्रांसफर किया जाए, जो सीरियस है। जी, जो ज्यादा गंभीर हालत है उनको लखनऊ या फिर कानपुर ट्रांसफर किया जाए। अश्विनी, एक बात बताइए कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो डबल डेकर बस है ये कंटेनर में पीछे से घुस गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ, टक्कर बहुत ज्यादा हुई, लेकिन क्या जो डबल डेकर बस है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी या फिर जो चालक था उन्हें नींद आ गई, क्या इसका कारण था, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रथम दृष्टिया भी कारण निकल के आया है, प्रबंधन से बताया गया है साफ तौर पर कि जिस प्रकार से आगे चल रहा था उसी एक्सप्रेस वे है, जो कि बहुत ही रफ्तार बस की तेज होने की वजह से ये हादसा हुआ है। अचानक जाकर उसमें भिड़ गई, जिसकी वजह से हादसा निकल के सामने आया है, मगर अभी कोई ऐसी आधिकारिक कुछ नहीं हुई है कि नींद आई या कैसा हुआ। ऐसे में लगातार अगर बात की जाए तो प्रशासन नजर बनाए हुए हैं, वहीं पूरी तरीके से मौके पे राहत सुरक्षा बल भी पहुंच चुका है, लगातार जो भी घायल है उनको यहाँ पे लाया गया है, और वहीं जो भी शव है उनके परिजनों को सूचना की गई है, उनको बांगरमऊ में ही सीएससी में रखा गया है, वहां से उनके पोस्टमार्टम हाउस लाया जाएगा। जी, एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करें तो किस वक्त पर यह हादसा हुआ है? ठीक है, आपको बता दें, जिस प्रकार का इस सुबह टाइम का समय था जब ये हादसा हुआ है, जिसकी वजह से लगभग और का समय जिसको बोलते हैं उसको मैं ये हादसा हुआ, जिसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चाहे ड्राइवर हो या अन्य लोगों, तो अहंगाई सी जैसी आ जाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आंख झपड़ने को लेकर भी बात सामने कही जा रही है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जो लोग